बस मेरा निकाह था, इंदौर से बारात आई थी, लड़के का नाम दानिश था, वो नशे में था। निकाह के लिए लोग आए मेरे पास, आलिम साहब आए, उन्होंने पूछा निकाह का, मैंने मना कर दिया। तो सुना आपने, ये लड़की जो अभी बोल रही थी, कुछ देर पहले ही वो दुल्हन की पोशाक में थी, सजी धजी थी, और कुछ देर बाद ही वो हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंधने वाली थी। लेकिन उससे ठीक पहले ऐसा हुआ कि रिश्ता ही तोड़ना पड़ा। दरअसल ये महाशय जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है दानिश शेख, ये इंदौर के रहने वाले हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब दानिश और मुस्कान की सगाई हुई थी, लेकिन शादी से ठीक पहले ही दोनों के बीच में दरार आ गई, और ये दरार भी उस मौके पर आई जब दोनों का निकाह होने ही वाला था। हुआ यूं कि जब दोनों को निकाह के लिए स्टेज पर लाया गया तो दुल्हन आसानी से पहुंच गई, लेकिन दूल्हे बने दानिश शेख के पैर लड़खड़ाने लगे। फिर किसी तरह से दूल्हे को उसके दोस्तों ने संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि उसे कंधे का सहारा भी दिया, और फिर किसी तरह से पकड़कर स्टेज पर बैठाया। लेकिन अपने होने वाले शौहर की यह हरकत देख दुल्हन नाराज हो गई, और फिर उसने चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने ठान लिया कि अब वो इससे निकाह तो नहीं करेगी, लेकिन उसने तुरंत शोर शराबा नहीं किया, इसके बजाय सही मौके का इंतजार करती रही। लिहाजा काजी साहब ने जब मुस्कान से पूछा कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो मुस्कान ने साफ कह दिया, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। मेरा निकाह था, इंदौर से बारात आई थी, लड़के का नाम दानिश था, वो नशे में था। निकाह के लिए लोग आए मेरे पास, आलिम साहब आए, उन्होंने पूछा निकाह का, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला निकाह मुझे कबूल नहीं, वो नशे में था, दो तीन लोग उसे पकड़ के लेके आए थे। लड़का नशे में आया तो फिर मैंने घर वालों को बताया, फिर घर वालों ने और सब ने मिल के डिसीजन लिया कि ये शादी नहीं करना मुझे। हाँ, फिर मैंने बोला मुझे निकाह कबूल। मुस्कान के इस फैसले पर परिवार के लोगों ने भी पूरा समर्थन दिया। मुस्कान के मामा इरशाद अली ने बताया कि दूल्हा इस कदर नशे में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि उसे दो तीन लोग पकड़कर ला रहे थे, सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका छोटा भाई और पिता भी नशे में धुत थे। दूल्हे ने शराब पी रखी थी, दो जने उसको पकड़ के ले जा रहे थे स्टेज पे निकाह के लिए। वो सीधे ही उतरना चाह रहा था उससे स्टेज से, तो उनने घुमाया वापिस पकड़ के, नहीं बन रही थी चलने फिरने की बिल्कुल भी। हमने क्या निर्णय लिया, मुस्कान ने निर्णय लिया शादी बारात कैंसिल करने का। लड़के का एक छोटा भाई है, वो भी नशे में था, उसका पिताजी भी नशे में थे, शराब पी रखी थी सबने। आपको बता दें कि ये मामला मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के सुठालिया का है। यहाँ 7 नवंबर को कंचन मैरिज गार्डन में मुस्कान और दानिश की शादी होने वाली थी। दानिश इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जब दुल्हन ने शादी से मना कर दिया तब मौके पर पुलिस को भी आना पड़ा। पुलिस ने दोनों तरफ से बात की, इसके बाद पुलिस ने भी मुस्कान की जमकर तारीफ की। स्थानीय थाना प्रभारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्कान के इस फैसले से समाज को नई दिशा मिलेगी। ये कल की बात है, यहाँ पर कंचन मैरिज गार्डन में कस्बे के रहने वाले पीरू खान की बच्ची की शादी थी और उसका आयोजन किया गया था। इसमें इंदौर से बारात आई हुई थी और बारात में जो लोग आए हुए थे, इवन दूल्हा को मिला करके, सभी लोग नशे की हालत में थे, ऐसी जानकारी उनके परिजनों को लगी। जैसे ही ये बात दुल्हन को पता चली, दुल्हन ने अपनी सूझबूझ से ये त्वरित निर्णय लिया कि ये शादी करना उसके भविष्य के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, और उसने तत्काल ये शादी करने से मना कर दिया गया। इस बात को लेकर के जब उसके परिजनों को पता चला तो उनके द्वारा भी इस बात से मना किया गया और संबंधित को वापस अपने घर के लिए रवाना किया गया। इसी की जानकारी जब हमें लगी तो आज सुबह हम उस बच्ची के परिवार से और बच्ची से मुलाकात की और उनको इस संबंध में हमने जो उसका साहसिक निर्णय है उसके संबंध में हौसला बढ़ाया है कि इस प्रकार के जो उसने निर्णय लिया उससे समाज में एक नई दिशा मिलेगी और गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त हिदायत मिलेगी, जिससे भविष्य में एक सुधार आएगा।